सो गाइस, अगर आप भी नया कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाहते हो और दिल्ली सदर बाजार जाके आप कॉस्मेटिक्स का जो सामान है आपके शॉप के लिए पहली बार खरीद के लेके आना चाहता हो सस्ती रेट पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ कि आप दिल्ली सदर बाजार जाके ऐसे कौन से होलसेलर के पास जाएंगे जहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स का जो सामान है या फिर इमिटेशन ज्वेलरी का जो सामान है अच्छे रेट में मिलेगा। क्योंकि गाइस, आप यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे 50 पैसे से नेल पॉलिश शुरू होकर 1 रुपए से रबर बैंड, मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि मतलब बहुत ही सस्ती रेट में प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब उसमें पैसा ही नहीं लग रहा है। और यहाँ पे जो YouTube वाले होते हैं ना, तो उनका कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं होते, और जिनके पास जाके वो वीडियो बनवाता है वो दूसरा का कोई शॉप है। इसमें दो लोगों का फायदा होता है, एक तो जो यूट्यूबर है उनका और जो शॉप वाले है उनका, और उसमें जाके कटता है किसका है, आप। अगर आप नए बिजनेसमैन जाएंगे क्योंकि आपको कॉस्मेटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा और आप वीडियोस देख के जाएंगे और उनको जाके बताएंगे कि आप वीडियोस देख के आए हो, तो दिल्ली सदर बाजार में ऐसे बहुत सारे दुकानें हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें फ्रॉड होता है। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं भी दिल्ली सदर बाजार गया हुआ था और मैं पिछले 8 सालों से कॉस्मेटिक बिजनेस से जुड़े हुआ हूँ, तो मुझे काफी सारे नॉलेज है इस प्रोडक्ट के जो रेट वगैरह होता है उसमें। तो मेरे साथ भी काफी सारे शॉप में फ्रॉड करने की कोशिश किया गया, बट गाइस क्योंकि मुझे पहले से ही नॉलेज था कि रेट कितना अंतर हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रेट में हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उससे दिल्ली बाजार में काफी सस्ता है, और सस्ते में प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे वहाँ पे अगर महंगा मिले तो कैसा फीलिंग होगा समझ सकते हो। तो गाइस इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप दिल्ली सदर बाजार जाके कौन से ऐसे होलसेलर के पास जाएंगे जहाँ पे आपको सस्ते रेट पे भी प्रोडक्ट मिलेगा और आपके साथ फ्रॉड भी नहीं होगा। तो सारी चीजें आगे इस वीडियो में कवर करेंगे, उससे पहले गाइस दिस इज योर एबी कॉस्मेटिक्स वाला एंड आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एबी कॉस्मेटिक्स में। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको बताना चाहूंगा मेरे इस चैनल पे आपको कॉस्मेटिक शॉप के रिलेटेड जितना भी नॉलेजेस है मैं मेरे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ, तो इसी बात पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। लाइक करना मत भूलिए गाइस, क्योंकि आज का मैंने जो वीडियो में लाइक एम रखा है वो सिर्फ 100 है, एंड मुझे पता है कि आप जो ये लाइक एम फटाफट पूरे कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है नए नए आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस। तो सबसे पहले जरूरी जो बात होता है गाइस कि मैं ऐसा कौन सा होलसेलर के नाम बताने वाला हूँ जहाँ पे जाके आपको अच्छा रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा या आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। क्योंकि गाइस मैं अगर कोई पर्टिकुलर होलसेलर का नाम बताऊंगा तो आप वहाँ पे जाएंगे सही, बट आपके साथ वहाँ पे फ्रॉड नहीं होगा इसका क्या गारंटी है। मैं भी तो उनके साथ जुड़ा हुआ रह सकता हूँ, मुझे भी तो कमीशन मिल सकता है। तो गाइस यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप नया बिजनेस खोल रहे हो और आपको कॉस्मेटिक बिजनेस के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, प्राइसिंग कैसा होता है उसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, और मुझे काफी सारा भर भर के कुछ दिन से मैसेजेस और कमेंट मिल रहा है कि सर मुझे हमें बताइए ऐसे कॉस्मेटिक्स का जो बिजनेस है उसमें प्राइसिंग वगैरह कैसा होता है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूंगा क्लियरली कि आपको प्राइसिंग का कैसे क्या करना है। तो गाइस देखो, मैं आपको इतना सिंपल लॉजिक बता देता हूँ कि आपका जो नियरेस्ट सिटी है वहाँ पे होलसेल का मंडी होगा, तो आप वहाँ पे होलसेल मंडी पे जाइए, 2-4 दिन आप मोल भाव करिए, जो भी कॉस्मेटिक्स वाले होलसेलर है उनके दुकान पे जाइए, दुकान पे जाकर सामान का रेट वगैरह पूछिए, हो सके तो 500-1000 का सामान भी आप लेके आइए, इससे आपका घाटा नहीं होगा, आपको काफी सारा नॉलेज मिलेगा कि प्राइसिंग कैसा होता है कॉस्मेटिक बिजनेस में। अगर इतना सा नॉलेज लेके आप 2-4 दिन हाथ में समय लेके दिल्ली सदर बाजार जाएंगे तो वहाँ पे आपको लाखों दुकानें मिल जाएंगे जहाँ पे कॉस्मेटिक्स का होलसेलर बैठे हुए रहते हैं, तो आप उनके दुकान पे जाइए या यूट्यूब में जो भी आपने वीडियो देखा है, दूसरों के वीडियो देखा है जहाँ पे शॉप के बारे में बताया गया है, तो उन शॉप पे जाइए, आप रेट वगैरह कंपेरिजन कीजिए, क्योंकि इसमें आपको फायदा ये होगा क्योंकि आपको पहले से अगर नॉलेज होगा इन सब प्रोडक्ट का ऐसा रेट है तो आपको वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है, ये जाहिर सी बात है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएंगे अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो नॉलेज रखते हैं ये सब बिजनेस में, तो उनको आप साथ में लेके जाइए, और अगर आपको ऐसा कोई भी बंदा ना मिले जो इस बिजनेस से रिलेटेड ना हो तो आप खुद ही जाइए, बट हाथ में अच्छा खासा समय लेके जाइए ताकि आप मार्केट अच्छे से घूम के 10 दुकानें देख के आप प्रोडक्ट चुन सके। क्योंकि गाइस आपका जो पैसा है काफी मेहनत से कमाया होगा और मैं नहीं चाहूंगा कि आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा ऐसे ही वेस्ट हो जाए, क्योंकि गाइस मैं समझ सकता हूँ हमें पैसा कमाने में कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। एंड गाइस दिल्ली सदर बाजार में सारे दुकानें आपके साथ ऐसे ही फ्रॉड करेंगे वो भी नहीं है, वहाँ पे अच्छे खासे सस्ते रेट पे प्रोडक्ट मिलता है कॉस्मेटिक्स का, क्योंकि दिल्ली सदर बाजार एक कॉस्मेटिक्स का हब है और काफी सारे होलसेलर का हब है, तो आप अगर दिल्ली सदर बाजार जाएंगे तो आप वहाँ पे आपको चांसेस है अच्छे से अच्छे रेट पे प्रोडक्ट मिले, तो आप जाइए, जाने के बाद वहाँ पे देखिए कौन से दुकान घूमिए आप 3-4 दिन, बट थोड़ा सा वहां से आप लोकेशन ले लीजिए, आप शॉप का नाम ले लीजिए, बट जब भी जाएंगे ना शॉप पे तो बताइए मत कि आप दूसरों का यूट्यूब वीडियो देख के आए हो, क्योंकि ऐसे काफी सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी होता है वहाँ पे कि सामान पहले जो 3-4 दिखाते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, ये जो रबर बैंड है और ये जो रबर बैंड है ये दोनों में काफी अंतर है। अगर दिल्ली सदर बाजार में जाएंगे तो आपने ऐसे वीडियोस में यूट्यूब में देखे होंगे जहाँ पे ये सिर्फ 25 पैसे या 5 पैसे ऐसे करके बताते हैं, तो इसका जो क्वालिटी है ना गाइस तो 5 पैसे की लायक ही होगा, और आप
ऐसे अगर क्वालिटी का लेंगे रबर बैंड तो ये आएगा आपका 2 रुपए करके खरीदा हुआ। तो इसका जो क्वालिटी और इसके क्वालिटी में काफी अंतर है। और अगर आपका नया बिजनेस है और आप ऐसे ही गया गुजरा सामान लेके आएंगे शॉप में, तो आपको बिजनेस जो नया शुरुआती टाइम पे कस्टमर जो आपके शॉप पे आएंगे तो उनको आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वो खरीद के लेके जाएंगे, बाद में जब भी आपके शॉप पे आएंगे आपका प्रोडक्ट का कंप्लेन होगा। इसलिए आप प्रोडक्ट के साथ साथ उसका क्वालिटी का भी ध्यान रखिए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट शॉप पे ना ले गया जिसका क्वालिटी काफी खराब हो, बट रेट सस्ता हो बट क्वालिटी काफी खराब हो। आपको क्वालिटी भी मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर मैं खुद इस बिजनेस से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे ये अच्छे से पता है कि कैसे जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो आपका बिजनेस ग्रो करवाने में मदद करता है। तो इसके लिए मैंने काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे बढ़ा के रखा है, आप ऐसे स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी नॉलेज चाहिए आप मेरे चैनल पे विजिट करना, आपको वहां पे काफी सारे वीडियोस मिल जाएगा जो देखने से आपका हेल्प होगा। एंड गाइस, मुझे पता है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना गाइस। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। होप करता हूं गाइस आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगे तो जरूर कमेंट करके बताना। तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।